ये लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है दोस्तों, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जैसे ही इसे टच करोगे तुरंत ये घंटी का निशान आएगा, ये घंटी आएगी दोस्तों, इसे दबाना ना भूलें, इसे दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। मोदी सरकार की बड़ी योजना है, बेटी को मिलेंगे 6 लाख रुपए, बस यहाँ पर खाता खुलवाएं और ये वाला फॉर्म भरें। तो दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीक्रेट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो इसके बारे में आगे जानते हैं। भारत में कम होते लिंग अनुपात हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। स्त्री की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़की की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसे शुरुआत करते ही दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका लाभ है, हर बेटी को मिलेंगे 6 लाख रुपए। तो चलिए कैसे मिलेंगे जानते हैं इसके बारे में, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का लक्ष्य बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी पर आने वाले खर्च को आराम से पूरा करना है। योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए सुविधा सेंटर भी अलग से खुलेगा। यह है योजनाएं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से 1 साल में 1,000 से लेकर 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। ये पैसा खाता खुलने के 14 साल तक ही जमा करना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल के होने पर मैच्योर होगा। योजना के नियम के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं, 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा बेटी के माता या पति को मिल जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट उसी समय बंद हो जाएगा। अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। पालक अपनी दो बेटियों के लिए दो अकाउंट भी खोल सकते हैं। जुड़वा होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरा अकाउंट खोल सकेंगे। पालक खाते को भी कभी भी ट्रांसफर कहीं भी कर सकेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से अकाउंट खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी हर साल 12,000 रुपए डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 8.6% ब्याज मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपए मिलेंगे। गौर करने की बात है कि 14 सालों में पालक ने अकाउंट में कुल 1,68,000 रुपए जमा करने पड़े, बाकी 4,39,128 रुपए ब्याज के हैं। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ। तो ये 3 प्रूफों से आप खाता खुलवा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी आपको, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी रोचक जानकारी के लिए। तो ज़्यादा जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।